चलिए, आज हम फिजिक्स में एक ऐसे टॉपिक के बारे में देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर हम देखेंगे विभव और संधारित्र के बारे में, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। विभव क्या होगा और विभव से संधारित्र का क्या रिलेशन होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विभव, यहाँ पर सबसे पहले हम विभव के बारे में देखेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम पोटेंशियल के बारे में देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता। ये होगा विभव। विभव में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहां पर क्या होगा, एक उच्च आवेश वाले धारिता से निम्न आवेश वाले धारिता की तरफ ये तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक कि दोनों में विभव समान न हो जाए, तब तक ये क्या होते हैं, चलते रहते हैं। और यहाँ पर मान लो, यहाँ जैसे हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, ये एक प्लेट लेते हैं, जैसे एक प्लेट यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लेट हुआ। इस प्लेट को हम क्यू चार्ज दे देते हैं, ये क्यू चार्ज दे दिए, तो इसके इनसाइड पर ये क्या होता, प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाता। ये प्लेट ए पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, प्लस चार्ज। अब प्लेट ए के पास एक दूसरा प्लेट हम बी लाते हैं, तो यहां पर प्लेट बी इंडक्शन के ड्यू टू यहां इसके इनर साइड पर ये जो होगा निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और यहां पर क्या बना लेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइन होंगे वो इस तरीके से इसमें फ्लो होगा। ये इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लो हुए, ये इस तरीके से, और ये जो प्लेट बी होगा, प्लेट बी ये इस तरीके से ये भी चार्ज हो जाएगा। इनर साइड क्या होगा, निगेटिव होगा, और इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, डी। तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया डी, और यहां पर जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो गया, ई। तो यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, फील्ड इनटू क्या हो जाएगा, डी। यानी यहां पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कंडक्टर। तो यहां पर पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होंगे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम डिफाइन करें पोटेंशियल के विद रिस्पेक्ट, तो यहां पर ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डेफिनेशन हो जाएगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट डिस्टेंस पर जितना होगा, यानी पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस पे जितना बनेगा वह उसका क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो ये जो होगा पोटेंशियल से रिलेटेड होगा, यानी पोटेंशियल जब भी हमको फाइंड करना होगा तो यहाँ पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स अपन लिए हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, डी हो गया। तो यहां से वी हमको मिल जाएगा ई इंटू डी। अब चलिए देखते हैं कि कैपेसिटेंस के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। तो यहां पर कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस जो होंगे वो कई तरह के होते हैं। जनरली यहां पर कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होगा, स्फेरिकल कैपेसिटेंस होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस एक्चुअल में होता क्या है और इसका पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ से हम देखते हैं। कैपेसिटेंस को यदि हम डिफाइन करें तो कैपेसिटेंस जो होगा, कैपेसिटेंस जनरली इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा संधारित्र, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ सी का वी, और यहाँ पर जो चार्ज होगा उससे क्या रिलेशन होता इसको देखेंगे, और यहाँ पर सी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का एक
डिवाइस होता और इस डिवाइस से हम एनर्जी स्टोर करके उसका दूसरा यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो कोई भी कंडक्टर है, जैसे हम एक स्फेरिकल कंडक्टर इस तरीके से लिए, ये स्फेरिकल कंडक्टर हुआ, यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर ये इसका आउटर साइड क्या होगा, चार्ज्ड होगा और इसके चारों ओर इसके स्फेरिकल शेप पे यूनिफॉर्मली ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब यहाँ पर जो जितना ज़्यादा हम इसमें आवेश देंगे, आवेश देने से कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यह हम जितना चार्ज देंगे तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहाँ से चार्ज बढ़ाने से इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो यहाँ से हमको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या मिल गया, C इंटू V, और यहां से C को हम डिफाइन करेंगे, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V। अब यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी को, कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो यहां पर आवेश और विभव के अनुपात को हम क्या कहेंगे, उसकी धारिता कहेंगे, और धारिता जो होता है वो संधारित्र की कैपेसिटी कहलाएगा, और यहां पर ये जो होगा कैपेसिटेंस होगा। और C को यहाँ पर डिफाइन करें तो यहाँ पर C होगा कैपेसिटेंस, Q होगा चार्ज और V होगा पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसकी यूनिट यदि हम देखते हैं तो यूनिट C का क्या होगा, 1 farad इज इक्वल टू 1 coulomb अपॉन 1 volt। तो ये 1 coulomb हो जाएगा अपॉन 1 volt, यानी 1 volt पोटेंशियल देने से यदि 1 coulomb चार्ज उसमें क्रिएट होगा तो वहां पर उस कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, 1 farad होगा। अब एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जैसे देखें तो उसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, जैसे यहां पर हम देखें तो यहां से ये जो होगा सेंटर O है और यहां पर इसका रेडियस क्या है, R है, और ये पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यदि स्फीयर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स वी कैन इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, देन आल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो कैपेसिटी की वैल्यू होगी C इज इक्वल टू क्या होगा, 4 pi epsilon 0 R। एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटी मिलेगा वो होगा 4 pi epsilon 0 इंटू R। और इस तरीके से संधारित्र के थ्योरी पर यदि हम जाते हैं तो संधारित्र का थ्योरी क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ कैपेसिटेंस, थ्योरी ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस का रिलेशन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस से होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस जब ये दोनों चीज़ हमको पता चल जाते हैं तब हम उसके थ्योरी के बारे में देखेंगे, उसका थ्योरी कैपेसिटेंस का क्या होगा। तो कैपेसिटेंस की थ्योरी के लिए हम यहाँ पर 2 parallel कंडक्टर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर ए ले लिए, एक कंडक्टर ए हो गया, इस पे हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज Q देंगे। Q पॉजिटिव चार्ज देने से इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके इनर साइड पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दूसरा प्लेट हम इसके पास मिलाएंगे, इसके इनर साइड में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बनेंगे, और यहाँ पर ये क्या होगा, दोनों के बीच में ये फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ से ये फील्ड क्रिएट हो जाएंगे, ये फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम E से डिनोट कर दिए। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, D ले लिया। प्लेट B के आउटर साइड में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पर
पॉजिटिव चार्ज होगा और ये सारे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जिससे सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा और यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसका कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, चूँकि C इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपान वी है, तो यहाँ पर देखना यदि पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल उसका व्युत्क्रमानुपाती है कैपेसिटेंस का, इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल को हमको स्थिर रखना पड़ेगा, चार्ज को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। चार्ज को यदि हम बढ़ा देते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड चार्ज। तो यहाँ पर जो आवेश होगा आवेश धारिता के समानुपाती होंगे, अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं आवेश बढ़ाने से किसी भी चालक का धारिता जो होती है बढ़ जाती है, विभव यदि बढ़ाते हैं यानी पोटेंशियल वहां पर इंक्रीज करने से उसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्लेट बी है, प्लेट बी के आउटर साइड में जो प्लस चार्ज क्रिएट होगा उस सारे प्लस चार्ज को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करने से उसका जो विभव होगा वो स्थिर हो जाएगा, यानी पोटेंशियल उसका कॉन्स्टेंट हो जाएगा और धारिता उसकी बनी रहेगी। अब इस तरीके से ये जो इसका मेन थ्योरी होता कि यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट होगा और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि चार्ज डेंसिटी होता है तो E इज इक्वल टू हम डिफाइन करेंगे तो सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन जीरो होगा। तो ये E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो है और V इज इक्वल टू क्या है, E इंटू डी होगा। तो इस तरीके से हम कैपेसिटेंस की थ्योरी को दो कंडक्टर पैरेलल कंडक्टर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो उसका मुख्य थ्योरी यही होगा कि प्लेट ए पर हम प्लस क्यू चार्ज देंगे, इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, प्लेट बी को उसके पास में लाएंगे, इंडक्शन की ड्यू टू प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे इनर साइड पे होगा तो उसके आउटर साइड पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो सारे पॉजिटिव चार्ज को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा और अर्थ पे जाने से यहाँ पर इसका पोटेंशियल जो होगा वो स्थिर हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ी रहेगी, बनी रहेगी। और इस तरीके से ये जो होता है कैपेसिटेंस की थ्योरी होगी। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस को यदि हम देखें तो कैपेसिटेंस जो होगा वो अलग अलग टाइप के होंगे। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कैपेसिटेंस देखें तो यहाँ से कैपेसिटेंस तीन टाइप के होंगे, टाइप ऑफ कैपेसिटेंस। पहला होगा समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होगा बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार संधारित्र। और तीसरा होगा गोलाकार संधारित्र। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए यदि हम व्यंजक फाइंड करेंगे तो वो व्यंजक हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इस तरीके से देखेंगे हम यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगा वह तीन तरीके के होंगे। यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा और उसकी धारिता के लिए यानी उसके कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, और यहाँ पर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होगा और यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं और उसके लिए फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं समांतर प्लेट कैपेसिटेंस का यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के कैपेसिटी के लिए डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा उसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको हम सबसे पहले समझेंगे कि जो पैरेलल प्लेट होगा वो किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट के लिए हम क्या करते हैं, ये एक प्लेट लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्लेट ए लेंगे, यहाँ प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज दे देंगे, प्लस क्यू चार्ज देने से प्लेट ए के इन साइड पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। फिर दूसरा जो प्लेट होगा बी, इस प्लेट ए के पास लाएंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये इस तरीके से इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगा और इसके आउटर सरफेस पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर जैसे ही अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो अर्थ पर चला जाएगा और यहाँ पर वी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का थ्योरी भी यही चीज है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा प्लस क्यू चार्ज की ड्यू टू, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। यहाँ सिग्मा जो होगा चार्ज डेंसिटी होगा, एप्सिलॉन जीरो उसकी परमिटिविटी होगी। अब यहाँ पर इसके पोटेंशियल को देखें, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी। यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पर इसलिए मैंने पहले विभव के बारे में मैंने बताया, इसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में बताया, तो यहाँ पर जितने सारे कैपेसिटेंस के फार्मूला को, उसके कैपेसिटी के फार्मूला को डिराइव करेंगे, वहाँ पर पोटेंशियल हमको लेना होगा और पोटेंशियल कैसे आता है इसके बारे में ये बता ही दिया गया। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, E इंटू डी। अब यहाँ पर यदि हम E की वैल्यू देखें, तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर E की वैल्यू पुटअप कर दिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, यानी पोटेंशियल हमको क्या मिल गया, सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर जो थ्योरी होता है, C इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान वी। तो यहाँ से जो C इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपान वी होगा। अब यहाँ पर V की वैल्यू हमको मिला हुआ है, तो V की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, तो यहाँ से Q अपान सिग्मा D अपान क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो। ये V की वैल्यू है, आप डेनोमिनेटर में यहाँ देखेंगे एप्सिलॉन जीरो है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो Q अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा D। ये जो होगा कैपेसिटी होगा। अब चूंकि चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी जो होगा Q बाई ए होगा। तो यहाँ से यदि हम C को देखें, तो C इज इक्वल टू यहाँ क्या मिला हुआ, एप्सिलॉन जीरो Q अपान चार्ज डेंसिटी जो होगा वो Q बाई ए होगा इंटू डी। तो यहाँ से Q और Q क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएगा। ए जो होगा न्यूमरेटर पर होगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपान क्या हो जाएगा, डी। ये जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है वो किन किन चीज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला चीज, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एप्सिलॉन जीरो। यानी यहाँ पर जो परमिटिविटी होगी ये यदि ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए प्लेट के एरिया को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एरिया ऑफ द प्लेट होगा। तो यहाँ से यदि प्लेट की थिकनेस यदि ज़्यादा है, प्लेट यदि ज़्यादा मोटा होगा, तो उसका कैपेसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और थर्ड होता है इसमें डिस्टेंस, यानी सी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो कैपेसिटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दोनों प्लेट के बीच में यदि डिस्टेंस कम होगा तब के कंडीशन पे उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा या कोई भी कैपेसिटेंस होंगे वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो यह उसके फार्मूला पर बेस होगा, और यह फार्मूला जब हमको मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने ये देखा कि यहाँ जो कैपेसिटी है किन किन चीज़ पर डिपेंड करता। तो यहाँ पर हमको यह मिलता है कि कैपेसिटी एरिया पर डिपेंड करेगा, एरिया होगा उन दोनों प्लेट के लिए, जहाँ पर हमने प्लेट ए और प्लेट बी को यहाँ पर मेंशन किया है। तो यहाँ पर प्लेट ए के थिकनेस यानी एरिया जो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, और यहाँ पर एरिया यदि ज़्यादा होगा तब के कंडीशन पे कैपेसिटी भी उसका इंक्रीज होगा। और दूसरा होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दो प्लेट के बीच जो डिस्टेंस होगा यदि वो कम है तो वहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि ज़्यादा है तब के कंडीशन पे कैपेसिटी कम होगी। तो इस तरह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फार्मूला हो गया, उसके पोटेंशियल और उसके कैपेसिटेंस का मुख्य थ्योरी क्या होता है उसके बारे में हमने देखा। और इस तरीके से ये फॉर्मूला जो होगा इस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, और उम्मीद है कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका इम्प्लीमेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में किया जा सकता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से आप करेंगे और परीक्षा के व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे अलग टाइप के जो कैपेसिटेंस है उसका डेरिवेशन क्या होगा और उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इस तरीके से वीडियो आप देखते रहिए, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही। धन्यवाद।